हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे गर्मियों में होने वाले टिक्स वगैरह जो डॉग्स को होते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। और आपने अगर स्टार्टिंग से आप उसका ख्याल रखते हो, जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो आपके डॉग्स को वो होंगे भी नहीं। आप अपने डॉग को टाइम टू टाइम अगर नहलाएँगे धुलाएँगे साफ़ सुथरा रखेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम आएंगी नहीं। आपको टिक्स एंड फ्लाइज के शैम्पू वगैरह आते हैं मार्केट में, वो यूज़ करना है। और आपने यूज़ करने का तरीका क्या है कि आप जब उस शैम्पू को लगाते हो तो आपको अपने डॉग की बॉडी के ऊपर अच्छे से शैम्पू के साथ मतलब मसाज करना है अच्छे से कम 10-15 मिनट, जिससे कि जो होते हैं वो क्या नाम है आपके टिक्स वगैरह वो शैम्पू से जो बड़े बड़े होते हैं मान लो वो तो निकल जाएंगे आप धोते हो या आपने निकाल दिया हाथ से देख के, लेकिन जो उनके एग्स वगैरह होते हैं टिक्स के वो स्किन पे ही रह जाते हैं और वो बाद में फिर से एक्टिव हो जाते हैं और फिर आपके डॉग को प्रॉब्लम दोबारा हो जाएगी। तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट आपके डॉग की बॉडी को अच्छे से रब करना है हाथ से, ताकि वो बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म हो जाए। ओके, और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ये जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं टिक्स फ्लाइज का, ये थोड़ा सा हार्श होता है मतलब स्किन के लिए, तो आपने रेगुलर इससे नहीं नहलाना डॉग को अपने, ठीक है? रेगुलर बात नहीं देनी, वीक में 1 से 2 बार ही आप इस शैम्पू का यूज़ करें। और जब आप नहलाते हैं तो आपको पानी से शैम्पू को बिल्कुल क्लियर कर देना है, एक भी जगह पे शैम्पू ना लगाओ, ठीक है? क्योंकि अगर शैम्पू स्किन पे रह जाएगा तो फिर उससे आपके डॉग को एलर्जी हो सकती है, थोड़ी बहुत इचिंग वगैरह होगी जिससे उसके हेयर्स वगैरह भी ख़राब होंगे। ओके, तो जब आप नहलाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा भी शैम्पू उसकी बॉडी पे ना रह जाए, आपको पानी से अच्छे से धो देना है बिल्कुल। और फ्रेंड्स एक चीज़ का और ध्यान देना है आपको, जैसे आपके डॉग्स अगर उसके कान बिल्कुल ऐसे खड़े रहते हैं जैसे मैक्स से खड़े रहते हैं आप देख रहे हैं, तो आपको उसके सर के ऊपर डायरेक्ट पानी नहीं डालना मग वगैरह या पाइप वगैरह से, क्योंकि वो उसके ईयर्स में जा सकता है, क्योंकि उसके कान बिल्कुल सीधे खड़े हैं, एक बूंद पानी भी अगर उसके ऊपर पड़ेगा तो सीधा उसके कानों में चला जाएगा और उससे प्रॉब्लम हो सकती है काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह की। गाइस देख रहे हो अभी मैक्स नहा धो के लगभग सूख चुका है, बॉडी इसकी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और ये खेलने के लिए तैयार है, शिकारी पोज इसका देख रहा हूँ। गाइस ये नहाने के बाद बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, मतलब बॉडी एकदम थोड़ी फ्री सी फील करता होगा, क्योंकि नहाने के बाद हमें भी बॉडी हल्की लगती है, तो इसको तो वीक में मैं एक बार नहलाता हूँ। और गाइस एक चीज़ और, आप लोगों कईयों को प्रॉब्लम होती होगी हेयर फॉल वगैरह की, तो जब आप अपने डॉग को नहलाते हैं तो उसके काफ़ी सारे जो बाल होते हैं ना वो टूटते हैं नहाने की वजह से, तो आपको ऐसे कॉम से बाल निकाल के सारे, जब बाल उसके सूख जाते हैं उसके सारे हेयर्स आपने निकाल के फेंक देने, जिससे कि घर में फिर आपको ज़्यादा बाल इधर उधर नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आपने नहीं कॉम किया तो वही बाल धीरे 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 निकलते रहेंगे और पूरे घर में फैलेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर वो बाल आपके इधर उधर खाते टाइम या इधर उधर मुंह में आ गया तो आपको बहुत बुरा लगेगा, ठीक है? तो चलो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, जय हिंद।